आप हर दिन लगभग 800 से 2000 मिलीलीटर पेशाब करते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग पेशाब पर ध्यान नहीं देते। हमारी किडनीज बॉडी में मौजूद पानी को साफ करती हैं, ये शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को ब्लैडर में भेज देती हैं और वहाँ से ये पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। आपकी पेशाब ब्राउन कलर की हो सकती है अगर आप बांकला या एलोवेरा ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं। ये रंग कुछ प्रकार की दवाइयों की वजह से भी हो जाता है, जैसे लैक्सेटिव्स, मसल रिलैक्सेंट्स और एंटीबायोटिक्स। गंभीर परिस्थितियों में ये रंग लिवर या किडनी की खराबी की वजह से भी हो जाता है। अगर आपकी यूरिन पर्पल कलर की है तो आपको एक बहुत ही दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी है, जिसे पॉर्फीरिया के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में कुछ तरह के एंजाइम्स बॉडी में कम बनते हैं, जिससे हेम का निर्माण बहुत कम हो जाता है, जो कि शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं का एक हिस्सा होता है। हरी पेशाब किसी नई दवाई या विटामिन लेने की वजह से हो सकती है। कुछ रंग जो खाने वाली चीज़ों पर चढ़ाए जाते हैं, उन्हें हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, फिर वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल आते हैं। अगर आपकी पेशाब में हरा रंग आ रहा है तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर आपकी यूरिन नीली आ रही है तो आपको फैमिलियल हाइपरकैल्शीमिया होने की काफ़ी संभावना है। ये जेनेटिक बीमारी है जो ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। इस बीमारी में खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे ब्लू डायपर सिंड्रोम भी कहा जाता है। कुछ दवाइयों में मेथिलीन ब्लू पड़ा होता है, जिसकी वजह से भी यूरिन ब्लू हो सकती है। अगर पेशाब पिंक या रेड है तो आपकी पेशाब में खून होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, जो कि काफ़ी बीमारियों में यूरिन के साथ मिलकर आने लगता है, जैसे प्रोस्टेट के भरने से, ब्लैडर कैंसर और लेड पॉइजनिंग। पर्पल यूरिन कुछ दवाइयों की वजह से भी हो जाती है, या ज़्यादा गहरे रंग के फल या सब्जी खाने से, जिसमें चुकंदर, काला जामुन शामिल है। ज़्यादा चुकंदर खाने के बाद अगर यूरिन पिंक आए तो उसे बीट यूरिया कहते हैं। अगर आपकी यूरिन ऑरेंज है, इसका मतलब आप विटामिन सी या कैरोटीन से भरपूर खाना खा रहे हैं, जैसे गाजर। ये दवाइयों की वजह से भी हो सकती है, जैसे एक पेन किलर पायरिडियम जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दी जाती है। साधारण तौर पर आपकी यूरिन हल्की सी पीली कलर की होनी चाहिए। इससे ये कलर एक पिगमेंट यूरोबाइलिन से मिलता है, जो कि हमारे ब्लड में हेम के टूटने से बनता है। आपके शरीर में पानी की मात्रा कम होने या लिवर में किसी समस्या की वजह से आपकी यूरिन ज़्यादा पीली भी आ सकती है। अगर यूरिन शहद के रंग की है तो आपके शरीर को पानी की ज़रूरत है। अगर आपकी यूरिन से कोई कलर नहीं आता तो इसका मतलब आप खूब सारा पानी पी रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने कैफीन या अल्कोहल लिया है। ये चीज़ें किडनी को पानी एब्जॉर्ब करने में रुकावट उत्पन्न करती हैं, जिससे आपकी यूरिन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।